देश में गणेश उत्सव की धूम है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने घरों में गणपति बप्पा को विराजमान करके उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर आगामी 10 दिनों तक गणपति बप्पा को लोग स्थापित करते हैं, उसके बाद उनका पवित्र नदियों में विसर्जन करते हैं। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक सनातन धर्म में कोई भी शुभ अथवा मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान गणेश की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं विघ्नहर्ता मंगलकर्ता पार्वती नंदन भगवान गणेश का दो विवाह भी हुआ था। इतना ही नहीं, भगवान गणेश का विवाह कैसे हुआ और क्यों कहा जाता है रिद्धि और सिद्धि को भगवान गणेश की अर्धांगनी, तो आज इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में गणेश पूजा की धूम मची हुई है। हर तरफ गणपत बप्पा के जयकारे लग रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश की दो पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। कभी भगवान गणेश ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था और वे घोर तपस्या करने चले गए। एक बार माता तुलसीधर से निकली और तपस्या में मग्न भगवान गणेश के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। भगवान गणेश से उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो भगवान गणेश ने कहा कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है। इससे क्रुद्ध होकर माता तुलसी ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें एक नहीं दो दो विवाह करना पड़ेगा। तुलसी के श्राप से क्रुद्ध होकर भगवान गणेश जब देवताओं का कोई मांगलिक काम होता तो उसमें विघ्न डालते, खूब शोर मचाते। इससे देवताओं के सभी मांगलिक कर्मों में विघ्न उत्पन्न होने लगा और कोई कार्य संपन्न न हो। देवता आहत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान योग से देखा और फिर दो कन्याओं का अवतरण किया। भगवान गणेश के पास ब्रह्मा जी पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी दोनों पुत्रियां हैं, हम इन्हें आपके पास शिक्षा ग्रहण के लिए लाए हैं। भगवान गणेश उन दोनों कन्याओं को शिक्षा प्रदान करने लगे। अब भगवान गणेश का ध्यान रिद्धि सिद्धि को शिक्षा ग्रहण करने में लग गया। उधर देवता अपना मांगलिक कर्म करने लगे। गणेश जी ने देखा कि देवताओं के सारे मांगलिक कर्म तो हो रहे हैं। इससे उन्हें क्रोध आया और वे रिद्धि सिद्धि नामक कन्याओं को श्राप देते। उससे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गणेश, इनका अवतार ही आपको श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ है, अतः इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर भगवान गणेश ने उन दोनों कन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार गणेश जी का दो विवाह हुआ।